कुछ दिन हो गए मुझे यार जीई की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हुए हैं। मैंने डब्बा खोल के देख लिया था बट प्रोडक्ट्स पूरी तरह से पैक है, ये देख लो प्लास्टिक शीट में, और आज तुम लोगों के सामने ही इनको खोल के देखेंगे एक एक करके। बट ऑब्वियसली उससे पहले एक लुक क्विक सा देखेंगे। ये है हमारे बॉक्स में, लाइक ये गत्ते का बॉक्स है, एक मिरर क्यूब, और ये मुझे रूबिक्स क्यूब लग रहा है। ये भी मुझे मिरर क्यूब टाइप रूबिक्स की पता नहीं यार क्या है। ये तीन बॉक्सेस हैं, और अगर बात की जाए तो ये हमें प्लास्टिक, अच्छा ये तो रूबिक्स क्यूब है, क्यू वाई एम प्रो। यार इन्होंने कितने ये बनाने हैं अलग अलग तरह के क्यू वाई एम प्रो, हर रोज एक नई तरह का क्यू वाई एम प्रो आ जाता है, मेरी समझ से बात बाहर है। और ये रहे तीन हमारे मिरर क्यूब्स, मुझे अब पता लग रहा है ये भी मिरर क्यूब ही है बट ये स्टिकर्ड वर्जन में है। शायद तुम लोग बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आई थिंक इन सबको साइड पर रखते हैं और सबसे पहले हम अपने 3x3 को देखते हैं और फिर मिरर क्यूब्स की तरफ बढ़ते हैं। पता नहीं यार ये सेटिस्फाइंग होगा या नहीं, मुझे यार ये तो बड़ा गंदे किस्म का प्लास्टिक है, ये कहाँ से सेटिस्फाइंग होना है। यार ये वाले डब्बे मुझे खोलने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। इसको खोलो, हमेशा की तरह नीचे हमें मैनुअल मिल रहा है, इसकी टेंशनिंग किस तरह करनी है हमें पता है ऑलरेडी, इतनी घटिया। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा एक सेकंड, कुछ तो अलग है इस वाले क्यू आई एम प्रो में, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लॉसी फिनिश में ये, बट ये मैट ही है तो क्या अलग है, आई डोंट नो फर्स्ट टाइम। एक सेकेंड यार, कुछ इस तरह का ही पहले भी इंटरनल्स थे इसके जहाँ तक मुझे याद पड़ता, मुझे नहीं याद यार टू बी ऑनेस्ट। बट अगर तो ये $10 के आसपास का क्यूब है तो ये RS3M को बहुत मस्त वाली टक्कर दे रहा है, लाइक RS3M 2020 की बात कर रहा हूँ, लाइक तुम लोग देख सकते हो। ये है मेरे आज के दिन का, ओए चल तो जा, मेरे आज के दिन का पहला सॉल्व, लेट्स सी क्या होने वाला है यार। ये ओ मैंने इमेजिन नहीं था किया कि सब इतना घटिया होगा, लाइक मुझसे फिंगर ट्रिक्स ही नहीं हो रही, और मैंने ये वाला सून छोड़ दिया था एंटी सून, बट नहीं नहीं देखना तुम लोगों, ना देखो ना देखो। इन शॉर्ट मुझे ये क्यूब मस्त लगा, लाइक अगर मैं ऐसे मौकों पर हूँ जहाँ मैं मेन क्यूब नहीं लेकर जा सकता, जस्ट लाइक मैं किसी बच्चों वाले इलाके में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे उम्मीद है बच्चे तोड़ देंगे क्यूब, या फिर बाहर कहीं ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ मेन क्यूब लेकर जाना सेफ नहीं है, वहाँ ये मैं लेकर जा सकता हूँ। अब बात करते हैं इनकी, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस चीज़ के लिए हूँ। मिरर क्यूब्स तो इन्होंने काफ़ी बना दिए अलग अलग, बट यार ये इन्होंने कुछ अलग बनाया, लाइक एक रूबिक्स क्यूब जैसा मिरर क्यूब, और इसके कलर्स मुझे पता नहीं किस चीज़ की याद करवा रहे हैं, कि नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है इसको देख के, मुझे नहीं आइडिया क्या। फर्स्ट टेंस नॉन मैग्नेटिक, आई थिंक बॉक्स वाले मैग्नेटिक है, ऐसा अभी तक मुझे शक पड़ रहा है। ओ हो, ये नॉन मैग्नेटिक भी इतना मस्त क्यों है। अभी तक जो मैंने नॉन मैग्नेटिक सबसे अच्छा मिरर क्यूब यूज़ किया था वो स्विफ्ट ब्लॉक का था, बट ये अगर तो टू बी ऑनेस्ट ये $10 के अंदर मिल रहा है ना, या $10 के आसपास, बेहतरीन नॉन मैग्नेटिक ये होने वाला है। मिरर क्यूब तो नहीं इसको बोलेंगे, लेकिन इसको हम दो तरह से नहीं, इसको हम ऑब्वियसली एक ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक रूबिक्स क्यूब की तरह, लेकिन ये एक ऐसा मिरर क्यूब होगा जिसको मैं 30 सेकंड्स के अंदर ऑब्वियसली सॉल्व कर सकता हूँ, एंड पे करके देखेंगे यार। अभी आगे बात करते हैं चल के, बट उससे पहले हमें ये ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन क्या बोलेंगे इस कलर को, मुझे नहीं आइडिया यार, जो भी बोलेंगे, बट कुछ तो है। निकला यार, इस तरह रोला मत, तेरी मेहरबानी, साइड पर रखते हैं। और अगर हम दोनों का एक लम्हे के लिए कंपैरिजन करें तो तुम लोग देख सकते हो इस पर भी स्टिकर्स हैं, एक सेकंड, इन पे स्टिकर्स नहीं है शायद, जो भी हैं यार पता नहीं क्या है। अलबत्ता टर्न्स की बात करते हैं, ये मुझे बड़ा मज़ेदार लग रहा है, तुम लोगों को शायद वीडियो में देखने में भी अच्छा लग रहा हो। ओहो, अंदर का कलर देखा यार, ये एप्पल ग्रीन है, केड़ा ग्रीन है कोई बता सकता है यार। तुम लोग देखो, मैं मिरर क्यूब को कभी ऐसे टर्न नहीं कर पाया, लाइक मेरा ये नॉन मैग्नेटिक मिरर क्यूब दिल कर रहा है कि मैं गैन के मिरर क्यूब ये मेरे पास पड़ा है उससे कंपेयर करूं, बट यार कसम से मुझे ये वाला ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है, गैन वाला नहीं लग रहा इसके आगे। गैन में जो शाइनी वाला इफेक्ट है ना, बड़ा घटिया लग रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अभी एक रहता है हमारे पास, हमने उसको भी चेक करना है। और ये रहा हमारे पास ब्लू, एक सेकंड यार,
यार ये कलर्स कितने नेक्स्ट लेवल हैं, मुझे आइडिया नहीं था कि यार इस तरह के मिरर क्यूब्स अच्छे लग सकते हैं। लाइक मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस कलर के भी मिरर क्यूब्स आएंगे, और सेम जैसे पहले दो हमने क्यूब्स को अनबॉक्स किया सेम टू सेम वैसी ही टर्निंग इसकी भी है। ओ हो 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 हो, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए अगले बड़े बॉक्सेस की तरफ और अपना फाइनल फिर रिव्यू देता हूँ यार। हाँ यार, मैंने इनको अनबॉक्स करते हुए पढ़ा यहाँ पे M लिखा गया है, जिसका मतलब है ये मैग्नेटिक होने वाले हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है। फर्स्ट टेंस, ओ ये वाकई में मैग्नेट्स हैं इसमें, और बहुत ही मजेदार स्ट्रेंथ वाले हैं। ओ मतलब के हर टर्न इसको स्मूथ करता जा रहा है, आपस की बात करूं तुम लोगों से तो, और मैं इतना फास्ट कभी मिरर क्यूब को घुमा नहीं सका। ऑब्वियसली यार पता नहीं इससे इसकी और इन दोनों की, इसकी एक अलग ही टर्निंग का मजा और इन दोनों की सेम है। पता नहीं ये दिमाग का कोई मसला हो रहा है या वाकई में कुछ फर्क है इनमें, मुझे नहीं पता। ये बहुत स्मूथ फील हो रहा है और पता नहीं यार, कभी लगता है बिल्कुल सेम है, ऑब्वियसली है बिल्कुल सेम, बट इस पे स्टिकर्स देख के ना ऐसा लगता है जैसे एक प्रोफेशनल रूबिक्स क्यूब हमने पकड़ा हुआ है। खैर खैर खैर, प्रोफेशनल रूबिक्स क्यूब क्या होता है, स्पीड क्यूब बोल सकते हैं। वैसे बात करें ये तीनों मैग्नेटिक हैं। अच्छा जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट्स की, आई थिंक मिरर क्यूब के हिसाब से ठीक है। अगर गैन के मिरर क्यूब की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसकी कॉर्नर कटिंग देख लो। और जबकि अगर हम इनकी वैसे जबकि क्या, अभी पहले चेक तो कर लें, आई थिंक इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं हर तरफ से इसके कॉर्नर कट्स को बेटर बनाने के लिए। बट ये खुलना कैसे है, ये भी एक काम है। क्या ये खुलता है यार, मैं तो इनको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे किसी तरह वो मिल नहीं रहा जिससे हम इसे खोल सकते हैं। आई थिंक मैं गलती ही कर रहा हूँ, ये गैन वाला तो खुल जाता था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हाँ बिल्कुल बड़ा आसानी से। बट इसमें क्या कोई मसला है कुछ ना कुछ कि हम इसे खोल नहीं सकते। एक सेकेंड, यहाँ पूरे में कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम इसको खोल सके, ये क्या बकवास है। ओ भाई यार ये कैसे पॉसिबल है, इसको खोलने की कोई टेक्निक होगी यार, मैं नाकाम रहा। खैर अब बात है नतीजा क्या निकला यार, क्या गैन वाला बेटर है। भाई गैन का जिस लेवल की प्राइस का है ना, उस लेवल के साथ आई थिंक इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर तो ये $15 के आसपास के क्यूब्स हैं तो ऑब्वियसली ये बेटर है प्राइस के हिसाब से। टर्निंग में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मेन फर्क ये है कि गैन वाला बहुत फ्लेक्सिबल है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा फील होता है, जबकि ये ज़रा थोड़े ब्लॉकी ब्लॉकी से मुझे फील होए। जबकि टर्निंग की बात की जाए तो फास्ट टर्निंग है, स्मूथ टर्निंग है, कोई मसला नहीं है। वैसे अगर इसकी टेंशन हम सेट कर सकते, पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई तरीका मिल नहीं रहा इसको खोलने का, तो ऑब्वियसली इसकी टेंशन हम गैन के पास पास की कर सकते थे। बट अगर तुम लोगों के पास $15 है, तुम लोग सबसे अच्छा उस रेंज का मिरर क्यूब चाहते हो, तो ये तुम लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। तो आई थिंक आज की वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी यार, आज बड़े मज़ेदार पजल्स थे जो कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसी अनबॉक्सिंग करने का मज़ा आया जिसमें वाकई कुछ मज़ेदार देखने को मिला। तो अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाओ यार, लाइक करो, लाइक 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 अपने दोस्तों के साथ, 3 दोस्त का शेयर कर दो और बताओ कि ये वीडियो में ये मैट अच्छा लगता है या हमारा पुराना वाला बैकग्राउंड। सब्सक्राइब यार। यार मैं मिरर क्यूब को सॉल्व करना भूल गया, मेरे वीडियो में सॉल्व करना था, वैसे भी मुझे शायद 1 साल हो गया मिरर क्यूब सॉल्व किए, तो पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद इसको और देखते हैं क्या बनता है। तो फर्स्टली हम इसको स्क्रैम्बल करते हैं यार, इसके अंदर ल्यूब लगा हुआ है और मेरे हाथ भर गए हैं, टू बी ऑनेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट करते हैं सिंपली, मेरे आगे टाइमर पड़ा हुआ है और लेट्स सी। ओ
यार मैं लेयर बाय लेयर मेथड यूज कर रहा हूँ और कोशिश है टू लुक ओएलएल टू लुक पीएलएल की, क्योंकि मुझे नहीं आता यार मिरर क्यूब को खास सॉल्व करना, मैं बस सॉल्व करना ही आता है और कुछ नहीं आता मिरर क्यूब में। तो मैं पीएलएल पे हूँ अपने, और ये रहा यू पम, ये भी नहीं पता यू ए पम है यू बी पम है, ऑब्वियसली यू बी था और मैं यू ए का दो दफा एल्गोरिथम लगाना पड़ा। 1:16 मुझे नहीं पता तुम लोगों को नजर आ रहा है या नहीं, बट मुझ पे यकीन कर लो यही टाइम था और ये बस हो गया सॉल्व। इस यार इसको 30 सेकेंड्स के अंदर करना ही करना है। यार इसको बिल्कुल मैंने ना 3x3 की तरह इसको इंस्पेक्ट किया, ना कि मिरर क्यूब की तरह, और हमारा क्रॉस बन भी गया और पहला पेयर। यार ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोका हेड मुझसे आम नॉर्मल 3x3 पे नहीं होता, तो इस पे क्या ही होना है। ओएलएल और जी डीपम, ओ पूरा 30 सेकेंड्स और कुछ इस तरह मैं शूट कर रहा था, मेरे आगे ये पड़ा हुआ था यार, तो तुम लोग ये देखो 30 सेकेंड्स अभी भी ऊपर है। अब तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ये टेस्ला हमने अनबॉक्स की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देखो।